हाँ जी पीछे लाउड स्पीकर चल रहे हैं, जोर से बोलो। जो पुरुषों का जो यहाँ पे कंठ होता है वो माताओं का कंठ अगर माताओं की होगी तो माताओं की आवाज भी भाइयों जैसी बार बार निकलेगी, इसलिए उनकी छोटी होती है, बाहर से दिखाई नहीं पड़ती। और पुरुषों को कहा है दुर्योधन दुशासन, दुर्योधन दुशासन आवाज में भी दुर्योधन दुशासन होंगे या नहीं होंगे? आवाज में भी होंगे, माने वाचा में भी होंगे, कर्म में भी, कर्मणा में भी दुर्योधन दुशासन होंगे और मनसा में भी दुर्योधन दुशासन होंगे। और कन्या माता होती है, कोई बताया सुपनखा पूतनाएं होती हैं जो जोर से बोलती हैं। इसलिए कन्याओं माताओं को वो यंत्र छोटा होता है जिससे आवाज निकलती है, और पुरुषों को बड़ा दिखाई देता है बाहर से भी। और घर घर में संदेश देना है। हाँ घर घर जाके संदेश देना है, ठीक है, जाके देना है, जाके देना है क्या? बेहद का बाप है, बेहद के बच्चे हैं, बेहद के बाप की समझानी है, बेहद की वाणी है कि हद की है, बेहद की है। तो बेहद का ब्राह्मण परिवार है और बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया है। तो बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में हद की दुनिया के मुकाबले थोड़े घर होंगे या ज्यादा घर होंगे? थोड़े होंगे। ब्राह्मणों की दुनिया के जो थोड़े से घर हैं, उन घर घर में जाके संदेश देना है। कोई ब्राह्मण ये न कहने पावे कि बाप आया, आप भी ब्रह्मा के बच्चे और हम भी ब्रह्मा के बच्चे, आपने ब्रह्मा कुमार होते हुए, भाई होते हुए हमको क्यों नहीं बताया? बाकी पुरानी दुनिया तो हमारे लिए मर गई। रखो दो, हाँ यही रखो दो, यही है? अरे यही रख दो, जब प्यास लगी पी लेंगे। हाँ औरों से, हाँ गांधारी, हाँ हाँ यदवंश, हाँ अर्थ क्या? उसे गुस्सा आ गई। गांधारी जो है वो जानबूझ के अंधी थी या नैसर्गिक अंधी थी? हैं, माने हठयोगी थी ना, तो उसने देखा हठयोग हमारा सिद्ध नहीं हुआ तो गुस्सा आएगा कि नहीं? क्रोध आ गया, और क्रोध को सफल करने के लिए उसने भगवान को भी गाली दे दी कि तुम्हारा पूरा परिवार नाश हो जाए जैसे तुमने हमारा परिवार नाश किया। इसलिए
भारतवासी कौरव पहले मरेंगे या यादव पहले मरेंगे? भारतवासी कौरव पहले मरेंगे जिनका राज्य भारत में चल रहा है, उसके बाद जो यूरोपवासी यादव हैं उनके पेट में से मूसल्स बनाम मिसाइल्स, मूसल उर्फ मिसाइल्स निकलते हैं जिनसे सारी दुनिया का बाद में विनाश हो जाता है। कौन बचेंगे? पांडव बचेंगे। वो अहंकार में अंधी थी, वास्तविक अंधी नहीं थी। अहंकारी रसियंस भगवान से कोई प्राप्ति नहीं करते, भगवान को और भगवान की रचना को भी नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, कर देते हैं। और पार्वती के एक ही रूप है, उनके सारे रूप। हाँ, तुमको मालूम है ब्रह्मा बाबा के साथ ब्रह्मा को सहयोग देने वाली सरस्वती एक ही थी या अनेक थी? एक, वो तो ब्रह्मा था। रख दीजिए ना, पहले ही क्यों नहीं ले आए, सोते रहे और सो ले। हाँ, रख दो, धीरे धीरे ले लेंगे। है पार्वती माता का एक ही रूप। हाँ, पार्वती जो है वो है पार लगाने वाली, पार संपूर्ण लगाएगा या अपूर्ण लगाएगा? संपूर्ण पार लगाएगा। और पार्वती के मुकाबले जो ब्रह्मा है और ब्रह्मा की सहयोगिनी है, ब्रह्मा रचयिता है और सहयोगिनी शक्ति सरस्वती रचयिता है या रचना है? रचना है, वो सहयोगिनी है, असिस्टेंट है, उतनी पावरफुल नहीं हो सकती जितना ब्रह्मा पावरफुल है। और इन त्रिदेवों में जो ब्रह्मा है वो भी रचना है, रचयिता नहीं है। ब्रह्मा किसकी रचना है? एक बाप की रचना है, रचयिता एक बाप है। इसलिए तीन मूर्तियों में एक के ऊपर एक रखा गया है। तो जो सर्वोपरि रचयिता बाप है उसकी सहयोगिनी शक्ति पार्वती रचयिता को भी पार लगाने वाली है। जब तक रचयिता सहयोगिनी शक्ति का सहयोग न ले तब तक वो भी पार नहीं हो सकता। इसलिए जो सरस्वती है वो सरस्वती वाली आत्मा शरीर छोड़ने के बाद नौ प्रकार की देवियों में प्रवेश करती है। जो नौ प्रकार की देवियां सरस्वती की सहयोगिनी है, पहले थी यज्ञ में आदि में, और जो आदि में सहयोगिनी थी उनमें नंबरवार उस देवी का प्रवेश होता है। किसका? ओम राधे सरस्वती का। तो कोई में अव्वल नंबर भी प्रवेश होता होगा, वो है छोटी माँ जिसका नाम है पार्वती, उसमें अव्वल नंबर प्रवेशता होती है। इसलिए वो बाकी आठ को भी कंट्रोल करने वाली है प्रैक्टिकल जीवन में।
जैसे नवरत्नों में बीच में बाप है और आसपास हैं आठ रत्न, ऐसे ही नौ देवियों में आठ देवी हैं आसपास और बीच में है पार्वती, वो सात की कंट्रोलर है, इसलिए वो देवी की भुजाएं हैं। भुजाओं में ताकत ज्यादा होती है या भुजाओं को चलाने वाले में ज्यादा ताकत होती है? अष्टभुजा देवी, वो आठ भुजाएं चलने वाली है, सहयोगी है, उनको चलाने वाली एक ही शक्ति है प्रैक्टिकल में। उस प्रैक्टिकल शक्ति में वो मम्मा ही प्रवेश करके पार्ट बजाती है। और वो पीछे भाई खड़ा हो गया, तुम्हारे पीछे से ज्यादा आवाज आ रही, ध्यान रखो। आगे आ जाओ, तुमको ज्यादा समझ में नहीं आया है, ये ज्यादा तुमको समझाना है। जिसे सत्ययुग कहा जाता है उसका अर्थ क्या है? काहे का युग? सत्य का युग। वो सत्य के युग का फाउंडेशन सतयुग में ही पड़ेगा या संगम में पड़ता है? है? संगम में पड़ता है। तो सतयुग के जो आठ जन्म है, जहां दादा लेखराज उर्फ कृष्ण की आत्मा जन्म लेगी प्रैक्टिकल जीवन धारण करके, वो ही आठ जन्म सतयुग हैं, या उससे पहले संगम युग में भी सतयुग है? वो नहीं समझ में आया? अब आ गया, अब आ गया। हाँ, नहीं है त्रिमूर्ति गोला और झाड़, हाँ जी, वो तो दीदी दादियों से जाके पूछो। लेकिन दो चार संदेशियों के नाम बताए हैं, उनमें गुलजार दादी भी है, उनमें देवी बहन भी है, मेरठ की इंचार्ज भी है, ऐसे कुछ एक के नाम भी बताए हैं। बाकी कई संदेशियों को कई बार भेजा गया, और जो चित्रकार चित्र बनाने वाला था दुनिया भी आदमी, उसके सामने उसका करेक्शन रख करके सुधरवाया भी गया, कोई एक संदेश ही नहीं थी। और हाँ जी, काम बोला है एक हाथ देखने में आता है या नहीं है? आता है। अब ये दो हाथ हैं, ये देखने में आते हैं या नहीं? और ये दोनों मिलकर के एक दूसरे में प्रवेश कर जाएं तो एक देखने में आएगा या दो? बाप दादा एक हैं या दो? एक कंबाइंड है ना? तो ऐसे ही एक हाथ की ताली बजाओ, अर्थात ताली बजती है तो आवाज होती है या नहीं?
होती है। एक है रुद्रमाला हाथ, एक है विजयमाला हाथ, ये दो हाथ हैं। आवाज किसकी पहले फैलेगी? रुद्रमाला बायां हाथ, विजयमाला दायां हाथ। आवाज फैलाने की जो बात है दुनिया में, वो एडवांस पार्टी आवाज फैलाएगी या विजयमाला पहले आवाज फैलाएगी? बाप की प्रत्यक्षता का निमित्त कौन बनेंगे? विजयमाला बनेगी, वो बाप के बच्चे हैं या चंद्रमा के बच्चे हैं? बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बाप के बच्चे होंगे या चंद्रमा के बच्चे चंद्रवंशी होंगे? तो वाचा से प्रत्यक्ष करेंगे, मीडिया से प्रत्यक्ष करेंगे या प्योरिटी से प्रत्यक्ष करेंगे? मीडिया से प्रत्यक्ष करेंगे। इसलिए एक हाथ की ताली बजाओ, वो प्रवेश करने वाली आत्माएं रुद्रमाला के अंदर प्रवेश करके पाठ बजाती है, वो सहयोगी हैं, वो राइट हैंड हैं। इम्प्रेशन डालने वाली है, इंस्पिरेट करने वाली है। तो दो हाथ एक में ही समाये हुए हैं, इसलिए एक हाथ की ताली बजाओ, दो हाथ की नहीं। और उनकी आवाज सुनो, नजदीक क्यों आए? हम तो सुनाई नहीं पड़ता है, आप सुनिए। दुनिया में जो देह का अहंकार दिखाने वाले हैं, जिस्मानी लड़ाई लड़ने वाले हैं, वो जिस्मानी बहादुरी दिखाते हैं, और जो रूहानी आत्माएं हैं, रूहानी लड़ाई लड़ने वाले हैं, वो जिस्मानी बहादुरी नहीं दिखाएंगे। कौन सी बहादुरी दिखाएंगे? रूहानी, रूह की एकाग्रता सिद्ध करेंगे, और रूह की एकाग्रता के आधार पर जो मनसा वाइब्रेशन बनता है, उन मनसा वाइब्रेशन से सारी दुनिया को कैप्चर करेंगे। जैसे शंकर के लिए गाया जाता है, शंकर द्वारा विनाश, लेकिन शंकर तो कुछ भी नहीं करता, चित्रों में तो चुपचाप बैठा हुआ दिखाया गया, कोई पार्ट नहीं बजाता, पार्ट बजाता बजाया जाता है कर्मेंद्रियों से। कर्मेंद्रियां शरीर का अंग है, देह का अंग है, वो देह की बहादुरी दिखाता है या प्रेरणा का पार्ट बजाता है? मनसा के वाइब्रेशन से दूसरी आत्माओं से कार्य करा लेता है। इसलिए ये है रूहानी बहादुरी, जिस्मानी बहादुरी नहीं है। और इसका उल्टा कर दो तो है कायरता,
वो देह को भगा के ले जाते हैं। जिस्मानी लड़ाई करने वाले जो सन्यासी हैं, वो काम विकार से लड़ाई लड़ते हैं या देह को भगा के ले जाते हैं? वो देह को भगा के ले जाते हैं। जिस्मानी लड़ाई करने वाले भी अगर हार जाते हैं लड़ते लड़ते, तो जिस्म को भगा के ले जाते हैं, उन्हें कहा जाता है कायर। यहाँ रूहानी लड़ाई लड़ने वाले हैं जो ज्ञान में चलते चलते भाग जाते हैं। रूहानी लड़ाई लड़ना बंद कर देते हैं, ज्ञान में चलते चलते अज्ञानी बन जाते हैं, शादियां करके बैठ जाते हैं, वो है कायर। उनको बहादुर नहीं कहेंगे। और दमदार आवाज है। हाँ बोलो। हमारे शरीर में खाने से खून कैसे बनता है? जैसे गाय खाना खाती है तो चबा चबा के खाती है या ऐसे ही निकल जाती है? चबाती है। तो खून अगर ज्यादा बनाना है तो क्या करना है? अच्छी तरह चबाना है। एक होता है हद का खून, और आप तो बेहद के खून की बात कर रहे होंगे। कौन से खून की बात कर रहे हैं? हद के कहेंगे तो शर्म आएगी। तो जो बेहद का खून है, अगर खूब मनन चिंतन मंथन करेंगे एक एक पॉइंट पर, तो हमारा भोजन ज्यादा खून वाला और शुद्ध खून वाला बनेगा। और जैसे रिवाजी हालत भक्ति मार्ग में गुरुओं का भाषण सुनते हैं और पल्ला झाड़ के चले जाते हैं, ऐसे ही सुनते रहेंगे तो जो खून बनना चाहिए रूहानी वो नहीं बनेगा। इसलिए खून बनता ही है चबाने से। जितना जितना जुकाली करेंगे, जितना जितना मनन चिंतन मंथन करेंगे, उतना अच्छा और शुद्ध खून बनेगा। जैसे जमीन की खुदाई की जाती है तो कुएं से शुद्ध पानी निकलता है, फिल्टर किया हुआ, ऐसे ही जितना हम ज्ञान रत्नों का अवगाहन करेंगे उतने बढ़िया से बढ़िया रत्न मिलते रहेंगे और हमारा बुद्धि रूपी पेट भरा हुआ रहेगा। होमियोग्लोबिन 14% बना रहेगा। और आगे ही बैठ जाओ ना, यहाँ बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। हाँ, अननोन वॉरियर्स बट वेरी वेल नोन वॉरियर्स। अननोन वॉरियर्स पहले और वेल नोन बाद में।
तो अभी जो पुरुषार्थी जीवन चल रहा है वो दुनिया में अननोन वॉरियर्स बैठे हुए हैं ब्राह्मण, और जब दुनिया बदल जाएगी तो कैसे वॉरियर्स हो जाएंगे, वेरी वेल नोन वॉरियर्स हो जाएंगे, इतने ऊंचे वॉरियर्स होंगे कि जैसे दुनिया आसमान में सितारों को देखती है ऐसे करके, और बहुत ऊंचे हैं। ऐसे 9 लाख सितारों की तरह आसमान में चमकेंगे ये धरती के चैतन्य सितारे। और स्टाम्प छपाने के लिए बोला है, एक मुरली में पॉइंट आया है कि तुम बच्चों को त्रिमूर्ति स्टाम्प को सरकार के सामने टिकट छपा। त्रिमूर्ति का अर्थ चित्र यथार्थ नहीं है, तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का यथार्थ चित्र बनाना चाहिए, माने ये जो त्रिमूर्ति अभी छपाई गई है बेसिक नॉलेज में या एडवांस में भी बनाई जा रही है वो मुरलियों के अर्थों के अनुसार नहीं है। मुरलियों में जो बाबा कहना चाहते हैं उस सच्चाई के मुताबिक नहीं है, जिसको बाहर की दुनिया की कहावतों से टैली किया जाए। बाहर की दुनिया में कहावत है विश्व विजय करके दिखलावे, तो ये त्रिमूर्ति जो दिखाई जा रही है चेहरा, या बेसिक वालों ने जो त्रिमूर्ति छपाई है मेगा प्रोग्राम में, वो विश्व विजय करती है या कोई यथार्थ त्रिमूर्ति और है जो संसार में प्रत्यक्ष होगी। तीन चेहरे, और कोई कोई एडवांस ब्राह्मण हैं जिनकी बुद्धि में बैठ गई है कौन कौन से वो तीन चेहरे हैं जो सारे विश्व के अंदर विजय प्राप्त करने वाले हैं। विश्व विजय करके दिखलावे तब हो वे प्रणपूर्ण, हमारा झंडा ऊंचा रहे, हमारा ये कपड़े का झंडा है या कोई चैतन्य आत्माएं हैं शरीर रूपी वस्त्र वाली जो सारे संसार में चमकेंगी, सारी दुनिया उनको पहचानेगी। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, सारे विश्व पर विजय प्राप्त करने वाला, तीन रंगों वाला ये चैतन्य कपड़े का झंडा है जो सारी दुनिया को पहचान में आवेगा, जिसे त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। ये यथार्थ चित्र बनाना चाहिए, लेकिन कौन बनावेंगे, सिर्फ बनावेंगे या समझावेंगे भी? सिर्फ बनाया और कोई समझने के लिए आ गया हमें समझाओ कि ये तीन चेहरे ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, सचिकल में 5 बजाए रहे हैं, बहनों से जाके समझो, ब्रह्मा कुमारियां समझाएंगी, हम नहीं समझा पाएंगे, वो हमारे पैसे में नोटों में ताकत है इसलिए हमने छपा के दिखा दिया, हमारी बुद्धि में नहीं छपा है इतना। तो जिनकी बुद्धि में ही नहीं छपा है, अगर बुद्धि में छपा भी है तो प्योरिटी की पावर इतनी नहीं है जो प्रैक्टिकल में किसी की बुद्धि में बैठा सके, तो त्रिमूर्ति का झंडा बुलंद कर सकेंगे? त्रिमूर्ति का झंडा बुलंद करने के लिए मनसा
वाचा और कर्मणा एक होनी चाहिए। अगर फर्क है तो तीन मूर्तियां भले छपा दें, लेकिन प्रत्यक्षता नहीं होगी। इसलिए बाबा ने तो बोला है कि त्रिमूर्ति का जो यथार्थ चित्र है वो बनाना चाहिए, लेकिन बनाने के लिए ऐसी अपने में फितरत भी पैदा करनी है। ऐसे गुण भी धारण करने हैं, ऐसे नहीं धन के नशे में आकर के छपा दें। और बाद में फेल हो जावे, क्योंकि दुनिया के सारे काम इस बल पर तय होते हैं, प्योरिटी के बल पर होते हैं संपन्न। अगर प्योरिटी नहीं है, प्योरिटी का दूसरा नाम योग बल नहीं है, स्नेह का बल नहीं है, एक के प्रति स्नेह, मन बुद्धि में चंचलता भरी हुई है, नेत्रों में चंचलता भरी हुई है, तो प्योरिटी नहीं है। क्योंकि मन में और नेत्रों में चंचलता है तो कर्मेंद्रियों में भी चंचलता जरूर होगी। और ऐसी आत्माएं जो प्योरिटी में फेल हैं, वो दुनिया में झंडा अव्वल नंबर में आगे जाके प्रत्यक्ष नहीं कर सकेंगी। और है सुनो, इस काम टिकट के लिए आए हैं, जैसे गांधी जी के टिकट टिकट वगैरह डाक टिकट छपे जाते हैं, वैसे त्रिमूर्ति इस काम टिकट छपने का जैसे हाँ कैसे भी छपाओ, यथार्थ चित्र छपाने की बात है। गांधी जी का एक चित्र छपा दिया माने गांधी जी रामराज्य लाने वाला है, लेकिन ये बात सत्य है क्या? रामराज्य आया या रावण राज्य आ गया? और ही रावण राज्य आ गया। इसलिए गांधी जी का चित्र नहीं चाहिए, हिम्मत है तो पहले त्रिमूर्ति को प्रत्यक्ष करो, फिर बाप को प्रत्यक्ष करो। क्योंकि त्रिमूर्ति को प्रत्यक्ष करेंगे तो तीन मूर्तियों को फॉलो करने वाले तीन ग्रुप वाले ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होंगे। नंबर वार ग्रुप हैं तीन, भक्ति मार्ग में उनको कहा जाता है ब्रह्म समाजी, वैष्णवपंथी, शैव समाजी। झाड़ के चित्र में भी तीन दिखाए गए हैं, एक नीचे से लेकर के ऊपर तक अपने धर्म के पक्के पक्के सूर्यवंशी, दूसरे दाईं ओर के धर्मों में भारतीय धर्मों में कन्वर्ट होने वाले, और थर्ड क्लास हैं बाईं ओर के धर्मों में कन्वर्ट होने वाले विदेशी धर्मों में। ये तीन प्रकार के ब्राह्मण हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में बैठे हुए हैं। तीनों प्रकार के ग्रुप मिलकर के एक हो जाएं और पहले त्रिमूर्ति को प्रत्यक्ष करें।
बाद में साबित होगा कि तीन मूर्तियों में ऊंच से ऊंच कौन। जैसे कौरव गवर्नमेंट दिखाती है गांधी जी का चित्र, वैसे फिर पांडव गवर्नमेंट दिखाएगी बाप का चित्र। बाप का चित्र पहले पहले प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, कर ही नहीं सकेंगे। पहले सब ब्राह्मण मिलकर के एक हो, फिर दुनिया को समझा सकेंगे। संगहु शक्ति कलौ युगे, वो झूठे ब्राह्मण भी कितना संगठन तैयार कर रहे हैं, कितनी जोर जोर से चिल्लाए रहे हैं, तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है इतने जो लाउड आवाज कर सको। बाप को ही अकेले चिल्लाना पड़ता है, धक तुम्हारे की मैंने कही। और बाबा साहब ने तो माता रानी को बोला है कि अभी जो विनाश का समय आएगा, तीन मूर्तियां हैं, क्या हो जाएगी? जिसको आप पहली मूर्ति समझे बैठे ब्रह्मा की, वो धराशाई नहीं हो गई? नहीं बाबा, एक तो हो गई, बाबा ने बोला तीनों मूर्तियां धराशाई हो जाएंगी। ये विष्णु पायसी ने कहा या बाबा ने कहा? विजय विहार के बाताराम पे बोला तीनों मूर्तियां धराशाई हो जाएंगी, एक हम ही रह जाएंगे। कुमार का दादी जिंदाबाद, उनके फॉलोअर जिंदाबाद, बाप ने कहा है। वो कैसे तो लाना अगली बार जब आए तो। भला क्या नाम है आपका, नाम बता दो। शशिकला माता कह रही है, याद रखना अगली बार कैसेट लाएंगे सुनाएंगे आप। तो बहनों से निकलवा ले, निकालो तब तक निकालो, वार्तालाप चल रहा है। हाँ शाम को दिखाएंगे जब सब लोग भाग जाएंगे। बोलो ज्ञान में बाद में आती है। ज्ञान किसे कहा जाता है? ज्ञान माने क्या, किस बात का ज्ञान? ज्ञान में भी पहली मुख्य बात कौन सी है? जिसका ज्ञान होना चाहिए तो कहें ज्ञानी। माता की पहले पहचान होती हो गई, 66 में हो गई पहचान। अरे ज्ञान या अज्ञान? अरे ज्ञान में आती या अज्ञान में आती? कौड़िया बन के आती, हीरा बन के आती? कौड़िया में अज्ञान अंधेरा और हीरा में उजेला, क्या बन के आती? बड़ा भगत है, बैठ जाओ। है फिर तुम ज्ञान, ज्ञान किसे कहते हो? अरे तुम ज्ञान किसको कहते हो? यज्ञ माने क्या? अरे यज्ञ माने क्या है? अरे ज्ञान माने क्या? किसकी जानकारी? मात की पहले जानकारी।
बाप की जानकारी हुई 66 में? आंखें बड़ी बड़ी कर ली। अरे 66 में जानकारी हुई, खत्म बात। और हाँ अंतर हुआ ना, मतलब गैप जो है, कहाँ गैप हुआ? बाद में मतलब में। अरे किस बात में पहचान हुई 76 में और 66 में माँ को? फिर तो अज्ञान में आई ना, अज्ञान में आई या ज्ञान में आई? अज्ञान में आई। और बोलने दो, बोलो बोलो माता जी। ऊपर पैर क्यों रखा? पैर जगदम्बा ने शंकर की छाती पर पैर क्यों रखा? अगर जगदम्बा का पति शंकर है, किसके पास जवाब है? है? अरे जवाब है किसी के पास नहीं है, भक्ति मार्ग में ही इसका जवाब है। भक्ति मार्ग में जो भी पुराने चित्र हैं महाकाली के, उनमें जो पैर रखा हुआ है शंकर के ऊपर, उसमें एक तो भूल दिखाई है महाकाली की, तो जीभ बाहर निकल गई है, ये क्या हुआ? वो गलती स्वयं ही पश्चाताप साबित करती है। और दूसरी बात दिखाई जाती है उस चित्र में, मस्तक में शंकर की मूर्ति रखी हुई है। किसके माथे पर? महाकाली के मस्तक में किसकी मूर्ति है? शंकर की। तो जगत पिता अंदर याद है, और ये 5 तत्व छाती पर रखे हुए हैं। तो क्या कहेंगे, जगत पिता का अपमान है बाहर से दिखाने के लिए या अंदर से अपमान है? बाहर से दिखाने के लिए अपमान है, ताकि जो आसुर हैं वो मूर्ख बन जाएं और महाकाली के द्वारा सिर कटा दें। वो समझें कि ये महाकाली जो है बाप के विपरीत बुद्धि है, वो विपरीत बुद्धि बिल्कुल नहीं है, अंदर से प्रीति बुद्धि है, कमल फूल समान जीवन है। जैसे कमल फूल कीचड़ में रहता है, बाहर निकालो तो एक बूंद भी कीचड़ की नहीं, ऐसे वो दुनियावी घर व्यस्त के अंदर रहने वाले बच्चों के बीच में पांच बजाती है। कीचड़ समान जीवन धारण करने वालों के बीच में पार्ट बजाते हुए भी बुद्धि बाप के पास रहती है। माया सभ्यता की कैसेट में भी ये बात साबित कर दी गई कि पृथ्वी की धुरी उल्टी हो जाएगी। ये धुरी है बुद्धि, ये बुद्धि पलट जाएगी। असुरों के लिए महाकाली साबित होगी, और जो देवात्माएं हैं उनके लिए महागौरी साबित होगी। इसलिए पार्वती के लिए भी दिखाया जाता है कि पार्वती का एक ऐसा रूप भी है
जो महाकाली का रूप धारण करता है, सीता का भी एक ऐसा रूप है जो महाकाली का रूप धारण करता है, दोनों के संस्कार मिलकर के एक होते हैं तो महालक्ष्मी बनती है। और बहुत ठंडा है, गला खराब करें। हाँ जी, कु माने खराब, राण माने राण, भारत भारत की राण नहीं, भारत की राण नहीं, कहाँ की राण, विदेशों की या भारत की, विदेशों की राण। भारत की राण अच्छी होती है या खराब होती है, है? जो भारतीय सभ्यता में राण बनती है उनका उसूल क्या होता है, भारतीय सभ्यता में जीवन जीने का उसूल, और जो विदेशों में राण बनती है, विधवा बनती है, विडो बनती है, उनका उसूल क्या होता है, अंतर कुछ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं है? है? दिखाई पड़ रहा है क्या है? अलग है क्या? हाँ, वो कुरान की पूजा करते हैं, कुरान की भी पूजा करने लग पड़ते हैं, मान्यता करते हैं, और भारत में कुरान को अच्छा नहीं माना जाता, सदभा को अच्छा माना जाता है। वैसे देखा जाए तो भारत की जो विधवाएं हैं वो भी बड़ी त्यागी तपस्वी होती हैं, अगर भारतीय परंपरा में चलने वाली हैं तो। परंतु विदेशों से प्रभावित हो गई है, ये दूसरी बात है, है? कुरान का मतलब यही है, जिसने दूसरे को खसम बना लिया, शिव बाबा की मत को छोड़ दिया और विष्णु पार्टी को अपना भगवान बना लिया। नहीं समझ में आया? हाँ, अरे गीता का मतलब क्या, गीता का मतलब जिसका गायन हो, जिनका पूजन हो, जिनकी प्योरिटी ऐसी है जो पूजी जाए, राण को पूजा नहीं जाता, और कुरान को तो बिल्कुल ही मान्यता नहीं देंगे, उसका गायन नहीं होगा भारत में। चैतन्य की बात करते हो या जड़ की बात करते हो, बुद्धि में क्या है? अरे चैतन्य राण है या जड़ कुरान है? गीता चैतन्य है और कुरान भी ब्राह्मणों की दुनिया में चैतन्य है, और बाई जी का बल भी, बाइबल वो भी चैतन्य है। मुसलमानों की जो कुरान है उसके मुकाबले जो क्रिश्चियंस में बाइबल है, जो बाइयां होती हैं वो ज्यादा पवित्र देखी जाती हैं या पवित्र हैं? कुरान के मुकाबले ज्यादा पवित्र हैं, इसलिए उस पवित्रता के कारण उनमें ज्ञान भी ज्यादा है, वो जट बुद्धि नहीं है बाइबल को फॉलो करने वाले। और मुसलमान कैसी बुद्धि बन जाते हैं? जट बुद्धि बन जाते हैं, बुद्धि काम नहीं करती ज्ञान में। कुरान में
जैसे मिलिट्री का मार्शल आर्डर ही आर्डर देता है, ज्ञान की कोई भी समझानी नहीं, ऐसे आर्डर ही आर्डर है, मिलिट्री आर्डर, समझानी बिल्कुल नहीं ज्ञान की। ये भारी अंतर है ब्राह्मणों की दुनिया में। बेसिक में भी है वो समझने के लिए तैयार नहीं, और ब्राह्मणों को समझाने के लिए भी तैयार नहीं। समझने और समझाने का दरवाजा बंद। जिद करके बैठ जाती है गंदारी की तरह, न समझूंगी और न समझाने दूंगी। ऐसी विघ्नों की दीवार बन करके बैठ जाती है। इसलिए मुसलमानों में जो पूजा स्थल बनाया जाता है वो दीवार खड़ी कर देते हैं। बस उसी को माथा टेकते हैं। उन्होंने पूछा है, बाबा हम तो बहुत तंग आ गए। क्या बाबा हम बहुत तंग आ गए, ये आपका टूर कब तक चलेगा? है? अच्छा, ये सरेंडर वाला कह रहा होगा कि नॉन सरेंडर कह रहे होंगे, ये प्रश्न किसका होगा बताओ? है सरेंडर वर्ग का होगा कि नॉन सरेंडर वर्ग का? अच्छा, फायदा किसको हो रहा है टूर से और नुकसान किसको हो रहा है टूर से? सूर्यवंशियों को फायदा जो ना। अच्छा, एक भाई कह रहा है कि जो नॉन सरेंडर है वो सूर्यवंशी है, उनको फायदा हो रहा है, और जो सरेंडर है वो नॉन सूर्यवंशी है, उनको नुकसान हो रहा है। इसका मतलब काशी नगरी में जो जाने वाले हैं, काशी नगरी में जो बैठने वाले हैं, वो सरेंडर हैं या नॉन सरेंडर? किसने बोला इधर? किसने बोला? मैंने बोला। आपने बोला? माने जो सरेंडर है वो नॉन सूर्यवंशी है, ये बोला? हाँ, क्या बोला? यहाँ क्लास में आने वाले सूर्यवंशी जो होंगे उनको फायदा, क्लास में आ रहे हैं जितने बैठे हैं वो सब क्लास में आने वाले हैं? माने जितने बैठे हैं वो सब सूर्यवंशी हैं? हाँ, सब सूर्यवंशी नहीं है, ये बात पक्की है। हाँ, बात हो रही थी सरेंडर और नॉन सरेंडर की। नॉन सरेंडर जो हैं, उनका ये प्रश्न है, सबका नहीं है। क्या सबका नहीं है? किसका है? नॉन सरेंडर में भी जो परेशान नहीं हो रहे हैं टूर से, जिनको लगता है कि बाबा जितना टूर लगाएंगे उतना पब्लिक का भला होगा, जो नॉन सरेंडर हैं उनको बहुत फायदा होगा, और जो सरेंडर वर्ग इधर उधर फैला हुआ है चारों ओर, उनका भी भला होगा। तो भावना शुभ है या अशुभ है? शुभ भावना है, उन्हें सूर्यवंशी कहेंगे
या नान सूर्यवंशी कहेंगे, सूर्यवंशी कहेंगे, ऐसे नहीं कि सरेंडर्ड वर्ग में सूर्यवंशी नहीं है, शुभ भावना शुभ कामना वाले नहीं है, लेकिन नॉन सरेंडर ऐसे सरेंडर्स में ऐसे भी हैं जो तंग आ गए हैं काहे से, बाबा के टूर करने से। अब प्रश्न का जवाब कब तक चलेगा है? अरे कब तक चलेगा है? कमाल है, कृष्ण भगवान को कंस के डर से गांवड़े गांवड़े में भागना पड़ता था, छिपना पड़ता था, एक जगह टिके नहीं रहता था। शंकर भगवान को भस्मासुर के डर से सारी दुनिया में भागते भागते फिरना पड़ा, कहीं एक जगह पांव टिका के रह नहीं सकता। और राम को रावण से लड़ने के लिए कहाँ रहना पड़ा, कांटों के जंगल में फिरना पड़ा। ये दुनिया कांटों का जंगल है, कोई छोटे कांटे हैं, कोई कोई बड़े कांटे हैं। अगर कहें कि सब ब्राह्मण परिवार के संबंधी हैं, संबंध सुख देने के लिए होते हैं या दुख देने के लिए होते हैं, काहे के लिए होते हैं, सुख देने के लिए संबंध होते हैं, तो वो संबंधों की भाषणा अभी नहीं आ रही है। चाहे राम हो भगवान, चाहे कृष्ण हो भगवान, चाहे शंकर हो भगवान, ब्राह्मणों की दुनिया में ये भगवान प्रैक्टिकल जीवन में अभी पार्ट बजा रहा है या नहीं बजा रहा है? बजा रहा है। जब तक कंस न मारा जाए, जब तक भस्मासुर न मारा जाए, जब तक रावण न मारा जाए, तब तक ये टूर लगाना बंद नहीं होगा, चलता ही रहेगा। और है कृपा दृष्टि, कृपा भगत चाहते हैं या भगवान के बच्चे चाहते हैं? कृपा की बात जो है वो भक्ति मार्ग में चलती है। कृपा मांगना, मंगता बनना और और एक तरफ जो विजय माला था हमारे सामने दोनों कार्य में से पहला प्रत्यक्ष होना अलग बात और आवाहन करना अलग बात, इन दोनों में साम्य कैसे कर लिया? नहीं मतलब ये पहले कौन सा कार्य संपन्न हुआ? कोई का आवाहन किया जाता है तो जिसका आवाहन किया जाता है वो बुद्धि में याद आता है या नहीं आता है? है? आता है। और जिसका प्रैक्टिकल जीवन में आवाहन किया जाएगा उसका जन्मदाता पहले आवेगा या बाद में आवेगा? जिसका आवाहन किया जाना है
उसका जन्मदाता कोई है या नहीं है? है? उसका जन्मदाता है, वो जन्मदाता पहले बुद्धि में आना चाहिए, उसके बाद उसका आवाहन हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि अष्टदेव बाद में प्रत्यक्ष होंगे, अष्टदेव भी प्रत्यक्ष होंगे और साथ साथ आवाहन भी संपन्न होगा। आठ अष्टदेव हैं तो लास्ट वाला लास्ट में प्रत्यक्ष होगा या पहले प्रत्यक्ष होगा? है? लास्ट वाला लास्ट में प्रत्यक्ष होगा और लास्ट को फास्ट होगा। और जिसका आवाहन करने के लिए डायरेक्शन दिया गया है वो भी लास्ट में प्रत्यक्ष होगा या फर्स्ट में प्रत्यक्ष होगा? अरे प्योरिटी वाला लास्ट तो फास्ट जाता है या इम्प्योरिटी वाला लास्ट तो फास्ट जाता है? तो जिसका आवाहन करने के लिए बोला गया वो प्योरिटी में फर्स्ट क्लास है या नंबर वार है? हाँ? फर्स्ट क्लास है। तो लास्ट में आवेगा फिर भी फास्ट जावेगा, उसका कोई भी प्रैक्टिकल कर्म, चलो सेवा का भी कर्म हो, वो एक सेकंड में प्रत्यक्षता करने वाला होगा। मनसा में संकल्प हुआ और संकल्प के साथ साथ प्रत्यक्षता प्रैक्टिकल में होगी। और कोई अधूरी नॉलेज लेने वाला है उसको यही पता नहीं है कि ब्राह्मणों की दुनिया में जो यादव संप्रदाय है बड़े बड़े शराबी हैं, बड़े बड़े कबाबी हैं, बड़ी बड़ी महल अमाड़ियों अटारियों वाले हैं, बड़े के बड़े विदेशी हैं, फॉरन करने वाले फॉरिनर्स हैं, उनकी बेहद की शराब क्या है? 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 देवान शराब है, जो शराबी होंगे वो दृष्टि का व्यभिचार जरूर करेंगे, पांडव होंगे तो उनको शर्म आवेगी कि हम बहन के साथ ये क्या कर रहे हैं, हम ब्रह्मा कुमार, हमारी बहन भी ब्रह्मा कुमारी, हम दोनों भाई बहन हैं, भाई बहन के साथ क्रिमिनल असाल्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पांडवों की बुद्धि में आवेगा। जो कौरव संप्रदाय होंगे उनकी बुद्धि में बिल्कुल नहीं आवेगा, वो जन्म जन्मांतर के शराबी काबाबी हैं। विदेशियों में कन्वर्ट होने वाले हैं, अपने पार्ट को अपनी करनी में देख सकते हैं। ये दृष्टि की शराब ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया से ही चलती चली आई है।
जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, वो चाहे बेसिक की हो चाहे एडवांस की हो, वो शराब का पीना नहीं छोड़ती है, तीर्थ यात्रा में जावेंगे, कोई पार्टी को भी तीर्थ यात्रा कराने ले जावेंगे, भगवान के घर में ले जावेंगे, वहां भी छुपा के शराब पियेंगे। कोई तो ऐसे है खुद भी पीते हैं और फॉलोअर्स को भी पिलाते हैं। ऐसी ऐसी कान में बातें डालते हैं जिनसे फॉलोअर्स की भी बुद्धि वृत्ति खराब हो जाती है। और तीर्थों में ऐसी वैश्याएं भी बैठी रहती हैं जो ये धंधा करने के लिए सह देती हैं। यहाँ जगन्नाथ के मंदिर में भी ये धंधा करना अच्छी बात है, पंडों की कमाई होगी। ये बेहद की शराब है। कृष्ण के जो सात भाई थे वो बेहद में कहाँ होंगे? एक कृष्ण है भक्तों का कृष्ण और एक कृष्ण है ब्राह्मणों की दुनिया का कृष्ण। जो भक्ति मार्ग का कृष्ण है उसको बेसिक के ब्राह्मण भी जानते हैं कि वो भगवान है, गीता का साकार भगवान वही कृष्ण है जो सतयुग में कृष्ण के रूप में और नारायण के रूप में विख्यात होता है। और जो बेहद के ब्राह्मण है वो बेहद के कृष्ण को भी जानते हैं। बेहद का कृष्ण है संगमयुगी कृष्ण। संगमयुगी कृष्ण है उसके भी सात भाई साबित होते हैं। और जो सतयुग का कृष्ण है उसके भी सात भाई हैं जो सात नारायण बनते हैं सतयुग में। बेसिक में वो सातों नारायण प्रत्यक्ष हुए, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में भी वो सात कृष्ण जो बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में कृष्ण के रूप में प्रख्यात होंगे। परंतु वो सात को कंस कोष लेता है और आठवां कृष्ण कंस के कोषादे से बच जाता है। अनिश्चय बुद्धि होने से बच जाता है, जिसके लिए झंडे में भी लिखा जाता है सत्यमेव जयते। एक ही जीवित बचता है लास्ट में। छुपा रुस्तम बाद में खुले, इसलिए आठवें नंबर पर कृष्ण जन्माष्टमी गाई जाती है।
आठवें नंबर की प्रत्यक्षता है, नहीं तो अंत तक उसकी प्रत्यक्षता के बारे में हर मनुष्य आत्मा की बुद्धि में निश्चय और अनिश्चय की बूथ चलती रहती है।